राहुल गांधी पर बीजेपी का जोरदार हमला, राहुल गांधी पर बीजेपी ने जोरदार हमला किया, इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। उपवास के नाम पर कांग्रेस कर रही है उपहास, ये बात बीजेपी ने कही है, जमकर निशाना साधा है राहुल गांधी पर। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी दंगा पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने जीते जी अंबेडकर जी को मारा। कांग्रेस ने बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने जीते जी अंबेडकर जी को मारा है, ये बात बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कही है। कांग्रेस ने बाबा साहेब को, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हरियाणा के जाटों को कांग्रेस ने भड़काया, देश की जनता ने राहुल को रिजेक्ट किया। किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने की कोशिश राहुल गांधी उपवास का कर रहे हैं ड्रामा, ये बात संबित पात्रा ने कही जिस दौरान उपवास का कार्यक्रम चल रहा था। उसके बाद बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, संबित पात्रा मौजूद होते हैं, मीडिया के सामने होते हैं और जमकर निशाना साधते हैं, कई बातें कहते हैं, राहुल गांधी पर हमला भी करते हैं, उपवास के नाम पर कांग्रेस उपवास कर रही है, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी दंगा पार्टी है, यह आरोप लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जीते जी अंबेडकर जी को मार दिया, कांग्रेस ने बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया, कर्नाटक के दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया, 809 दलित महिलाओं के साथ अत्याचार किया, कर्नाटक के दलितों के लिए उपवास क्यों नहीं किया, ये तमाम तरह के आरोप संबित पात्रा ने लगाए हैं कांग्रेस पर और जमकर निशाना साधा।